मीडिया आजकल अफगानिस्तान के मुद्दे में व्यस्त है, लेकिन देश में चल रही समस्याओं पर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा। हालांकि अभी भी कुछ पत्रकार हैं जो देश की समस्याओं को लगातार उठा रहे हैं। आज बात करेंगे न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और उनकी कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें उन्होंने जरूरी मुद्दों पर भाजपा नेताओं से सवाल किए। न्यूज 24 पर बेरोजगारी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने भाजपा प्रवक्ता से रोजगार देने की बात कही तो प्रवक्ता कुछ आंकड़े देने लगे, पर एंकर संदीप ने जब रोजगार देने पर फिर सवाल किया तो प्रवक्ता सवाल को गोलमोल घुमाने लगे। हमारे यहाँ पे FDI बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे सेंसेक्स बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे PLI स्कीम्स बहुत सक्सेसफुल हो रही है, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट अच्छा हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन की तरफ आम आदमी को क्या मिल रहा है, रिफॉर्म्स नहीं सुना, नौकरियां कितनी बढ़ी अभी तक आपने आंकड़ा नहीं बताया, नौकरियां कितनी बढ़ी मैं इंतजार कर रहा हूं, आप CMII के आंकड़े को दत्ता बता रहे हैं, मुझे ये बताइए नौकरियां कितनी बढ़ी, आम आदमी ताली बजाए कि 58,000 सूचकांक चला गया कि बाजार बम बम हो गया। अरे सैंपल सर्वे को आप पूरा डेटा लगा, आप दीजिए ना डेटा, आप दीजिए डेटा, कितनी नौकरियां बढ़ी, कितनी नौकरियां जुड़ी, कितने लोगों को रोजगार मिला। संदीप जी देखो इकोनॉमिक्स समझना है तो इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करिए, मैं इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से समझता हूँ। केंद्र सरकार की नौकरियों में 8,72,000 नौकरियां वो पद खाली हैं पूरे भारत में। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने भाजपा प्रवक्ता से कार्रवाई को लेकर कुछ सवाल किए, पर भाजपा प्रवक्ता सरकार का बचाव करने लगे, पर एंकर ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चलो शब्द तो गलत थे, आयुष सिन्हा के शब्द गलत थे, सख्ती सही थी, तो जो लाठीचार्ज हुआ है, जो मौत भी हो गई, उसको जायज ठहरा रहे हैं ना कुल मिलाकर। सीनियर IAS ऑफिसर रिटायर हुए हैं अनिल स्वरूप जी, उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया है और इस चर्चा के संदर्भ में निश्चित रूप से उसको स्मरण करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, इट इज रॉन्ग टू ब्लेम पॉलिटिशियंस फॉर एवरी रॉन्ग दैट वी डू एज अ सिविल सर्वेंट, इन माई करियर ऑफ 38 ईयर्स नो पॉलिटिशियन एवर आस्क्ड मी टू ब्रेक समवन्स हैंड। तो कारण एक प्रशासनिक कदम को एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप को राजनीति से जोड़ करके देखना ये उचित नहीं है। CM हो, डिप्टी CM हो, कृषि मंत्री हो, उन्होंने इस एक्ट की आलोचना की है। तो दुष्यंत चौटाला का दबाव आया ना तो आप लोग बोलने लगे, पहले तो कहा गया, क्या कहा था परसों, मैं वो बयान सुनवा देता हूँ मुख्यमंत्री का, देखेंगे ज्यादती किसकी थी, तो बर्बरता किसने की, इसकी जांच करेंगे। और आयुष सिन्हा की बात पर बिल्कुल कन्नी काट गए थे। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने भाजपा प्रवक्ता से आम आदमी को राहत देने पर सवाल किया, पर भाजपा नेता सरकार द्वारा किए गए खर्च बताने लगे, लेकिन एंकर ने उन्हें बढ़ती कीमतों से राहत देने पर ही बात करने को कहा। एवरेज कम मिलते थे तो हमने वो सारा काम किया है जो पेंडिंग काम था, जो एक आम नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके बारे में कुछ चिंता नहीं की। आपको घर में टॉयलेट नहीं है तो उसके बारे में, शौचालय के बारे में हमारी सरकार ने चिंता की, जो चिंता करनी चाहिए थी पिछले सरकारों को उन्होंने नहीं की। हाँ। आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल आप देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। गेहूं की कीमत 1975 रुपए MSP, यानी कि 1975 रुपए किलो, 5 किलो देते हैं, 20 रुपए लगा लेते हैं, 100 रुपए का अनाज दिया और 300 रुपए सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी, सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर हो गया, बड़ा वेलफेयरिज्म है। मैं जवाब दे, आप कह रहे हैं लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, नहीं भैया 100 रुपए की चीज देकर 300 रुपए के दाम ले लो। क्या या आप देखिए प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जो लोगों तक राशन पानी और हर बाकी सुविधाएं पहुंची हैं, ऐसे 500 रुपए महीना बनता है, 500 रुपए महीना बनता है वो। न्यूज 24 पर किसानों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सवाल किया, जिस पर भाजपा नेता 26 जनवरी की घटना का जिक्र करने लगी, लेकिन एंकर ने उन्हें टोका और मुद्दे पर जवाब देने को कहा। जो किसान हैं, उनके हम हितैषी हैं, मोदी सरकार किसानों का हितैषी है कि 26 जनवरी को जो किसानों की आड़ में कुछ आंदोलन जीवियों ने आकर जिस तरह से लाल किले पर हमला किया था, जहां 600 निहत्ते बच्चे कैद थे, हमारे CRPF के जवान कैद थे, उन पर हमलावर कर दिया, मैं उस बात का भी खंडन करती हूँ। जांच हो रही है ना, कौन कौन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, एक मिनट संजू, मैं थोड़ा खत्म तो कर लूं सर। नहीं, जांच अब तक क्या मुकम्मल नहीं हुई, किसने वो षड्यंत्र रचा, किसने वहां पर मार पिटाई की, बिल्कुल ठीक कह रही है, 494 पुलिस वालों को चोटें आई, उस वो असल आरोपी, वो अभियुक्त, वो साजिशकर्ता अब तक सामने क्यों नहीं आए, और हरियाणा में अब तक 20
सितंबर से 2020 से अब तक 136 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं किसानों पर। बोलिए, खत्म करने दीजिए, जब आपने शो पे बुलाया तो मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। आप संदीप की ये डिबेट्स देखकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।